जब वृंदावन से जाने लगो तो हाथ जोड़कर वृंदावन को प्रणाम करो, हे वृंदावन धाम जैसे भी हैं आपके हैं, जो शरीर से मन से वाणी से अपराध बनाओ क्षमा करना, कृपा करके हम ना भी चाहें तो आप हमें बुलाना, ये वृंदावन धाम है ना, ऐसे करके तत्व मंगल ही होगा, भाग्यशाली हो तभी तो आए हो, नहीं किशोरी जी की कृपा के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता, चाहे जैसा दुष्ट स्वभाव वाला दिखाई दे रहा हो पर लाडली जी की उस पर नजर है तभी वो आया, नहीं धाम नहीं आ सकता। नौटंकी नाटक फिल्म चला के देखो, 3 घंटे उबोगे क्या, क्यों उसमें रस मिल रहा है, इतनी उल्टी बात है, जहां बिल्कुल झूठे पे झूठा उसको पैसा लगा के देखते हो बड़ी एकाग्रता से देखते, क्यों वो अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उससे संबंध है, किसे संसार से, उन चेष्टाओं से, उन बातों से, उन कहानियों से, उन विषयों से जिनकी सत्ता ही नहीं, बिल्कुल झूठे, और जो है इससे संबंध नहीं, इनसे अपनापन नहीं है। तिनके की ताकत नहीं है कि एक अंगुल भी उड़ सके, हवा का सहारा मिल जाए तो न जाने कितनी ऊंचाई पर चला जाए, बस ऐसा ही है, हम तिनका हैं, हमारी प्रिया जी की कृपा रूपी वायु जहाँ चाह रही जैसे जा रही उड़ाती चले, तो लोग देख रहे तिनका बहुत ऊंचे उड़ रहा है, तिनका नहीं उड़ रहा है, वो वायु से ले जा रही, वो प्रिया जी की कृपा का है, तिनके अगर वायु हट जाए तो दम से वहीं गिर जाए, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं, ये तिनका है, नहीं हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह, नहीं 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर, इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का, कि मां मैं क्यों किसी का बुरा चाहूंगा लेकिन मेरा तो सब बुरा चाहते हैं, तो सुनीति ने कहा कि नहीं बेटा तू चिंता नहीं करना, यदि कोई किसी का बुरा चाहता है तो बुरा उसका खुद का ही होता है, और ध्यान रखना बेटा जो किसी का बुरा नहीं चाहता तो उसके ऊपर कृपा बरसाने के लिए स्वयं बांके बिहारी आ जाते हैं, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता है, यदि तेरा मन साफ है, यदि तूने किसी का बुरा नहीं चाहा तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर धन भगवान से कम नहीं है तो मेरी शांति हो जानी चाहिए हृदय में, क्योंकि भगवान के समान है ना, आज तक किसी एक व्यक्ति का नाम लो जिसके पास धन उसकी इच्छा के अनुसार आ गया हो और वो कह रहा हो अब कछु नाथ में चाहिए, एक व्यक्ति इतिहास में बता दो, प्रगट में तो बात ही क्या है, इतिहास में सिकंदर जब गया था ना तो उसने ऐसे अपने 100 से हाथ निकलवाने के लिए आज्ञा की थी, जब मैं मरूं तो ऐसे हाथ करके जा, वो सिकंदर जो कहीं पराजित नहीं हुआ, सांप को लूटने वाला वो लूट के जा रहा, कुछ नहीं ले जा रहा, क्या है ऐसी बुद्धि रख ले से हम फिर भगवान के मार्ग में आगे कुछ चले, मस्त रहो, ऐसा यार चुनो, ऐसा प्यार चुनो कि कभी तुम्हारा प्यार टूटे ना और कभी यार तुम्हारा छूटे ना, ऐसे ही शास्त्र के पन्ने फाड़ सकते हो क्योंकि फटने वाले हैं, विनाशी, उसमें जो शब्द लिखा है उस पर तुम्हारी पहुंच ही नहीं है, आज जो है ना अपने आचरण नहीं सुधारा जाता, महापुरुषों को गालियां दी जाती, अपने आचरण सुधार के देखो, फिर जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो आप उनके चरणों में झुक जाओगे कि उनका जीवन कैसा था, महापुरुषों का ऐसे लिखते, अब कलयुग बढ़ेगा ना ऐसे भी कोई सत्य की बात मानना नहीं चाहता, भगवान ने जो जो सिद्धांत बनाए उनको समझो, उनके अनुसार चलो, आपको शांति मिल जाएगी, आपको आनंद मिल जाएगा, 50,000 रुपए महीने नौकरी मिले और जो वहां का हेड है वो हमें गाली भी दे तो हम सहेंगे, और मन नहीं लग रहा पर हम 8 घंटा ड्यूटी देंगे ना, क्यों तो पेमेंट से, ऐसे ही हमें सुखी होना है तो लोग हमको गाली दे तो परवाह नहीं करनी, मन ना लगे तो परवाह नहीं करनी, क्योंकि मुझे सुखी होना है, और सुखी कैसे होगा, भजन से, भजन से ही बात बनेगी, मन लगे या ना लगे, हम कभी नौकरी के लिए कहते हैं क्या, वहां मन नहीं लगता, नहीं वहां नहीं लगता तो भी मन को सिखाएंगे, ये 50,000 रुपए महीने मिलते हैं, यहाँ मन लगने की बात है, यहाँ जीवन, अब संसार में कोई ऐसा तो नहीं कि मैं सुखी कर सके, आज तक नहीं कर पाया और ना कभी कर पाएगा, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग, ना कोई पद, कि अब कछु नाथ न चाहिए, चाहे आप कुछ भी बन जाओ वो सुरसा की तरह तुम्हारी कामना बढ़ती चली जाएगी, कभी ऐसा नहीं, ये तृप्ति भगवान के चरणों से होती है।
ये सब लोग समझते रहे कि आप भगवान के चरणों से क्या होगा, हमें तो रुपया चाहिए, हमें तो अमुक चाहिए। माँ लक्ष्मी उनके चरणों में ही तो है यार, पर समझ में नहीं आता। लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो, माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, आप किससे सलाह लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। हर किसी से सलाह मत लीजिए, जो जो मन में आ रहा है कह रहा है, नहीं बहुत सोच समझ कर सलाह लीजिए लोगों से। इस संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में, इस मन को अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या आप में कमी है क्या नहीं है, उस न्यायालय में आपको जाने की आवश्यकता है। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तब तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, लेकिन जब टाइम बुरा चल रहा है और उस वक्त कोई आपके साथ में खड़ा हुआ है, वही आपका रियल फ्रेंड है ना, वही आपका अपना है। किसी की कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, 10-15 करियर बदलने बदल लेना, जब तक मन ना लगे ना, जब तक रात को बिल्कुल चैन से ना सोना, बिल्कुल मस्त एकदम कि हाँ यही करना था मुझे, भले ही इसमें 5 रुपए आते हो, वो करना, और उसके बाद देखना कि तुम 5 रुपए इतने अच्छी जगह पे खर्च करोगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें वो करने। भगवान कहते हैं हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, समय लगता है। मैं समझदार हूँ ना, मुझे पता है तुम्हारे लिए कब क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो मैं उस समय अनुसार तुम्हें सब कुछ दे दूँ, तुम बस मुझ पर